क्षत्रिय महासभा और करणी सेना लगातार पद्मावती और अपर्णा यादव के नृत्य को लेकर बातें कर रही हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि एक तरफ तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं। ब्राह्मण महासभा ने साफ किया कि इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर योगी जी इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे तो ब्राह्मण महासभा इस बात पर आंदोलन करेगी। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी की बहू है। वो अपने भाई की शादी में नृत्य कर रही थी, पर जो गाना उन्होंने चुना वो क्षत्रिय महासभा और करणी सेवा को पसंद नहीं आया। अगर इस तरह क्षत्रिय महासभा और करणी सेना लोगों को बंदिश लगाते रहे तो क्या होगा? बिल्कुल गलत है। क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अपनी ही बच्ची का विरोध कर रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए नर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अपर्णा यादव तो एक राजपूत कन्या है, माननीय मुलायम सिंह जी की पुत्र बधु की तो है ही, लेकिन वो उनकी ही बच्ची है। उस बच्ची का जो एक अपने सगे भाई की शादी समारोह में नृत्य कर रही है, जो कि स्वाभाविक है। अब कौन सा गाना चल रहा है दूसरा विषय हो गया, गाने बदलते बदलते रहते हैं, वो उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया तो ये एक सभ्य समाज की पहचान मुझे नहीं लग रही। ये गलत है, ये सिर्फ घमंड है, ये एक झूठी आन बान शान का प्रकाश है, जिसमें ये भी भूल रहे हैं कि अपने ही बच्चों के लिए खिलाफ बोल रहे हैं। फिल्म की नायिका के खिलाफ तो चलो भाई, चलो उन्होंने रोल किया था, दूसरी बात है इस बेचारे ने क्या किया। ये तो अपने भाई की शादी में समारोह में डांस कर रही है, ऐसे में उसके लिए नरगले बयानबाजी, ये कर लिया वो कर लिया, दुनिया भर का बखेड़ा एक तरह से, बिल्कुल गलत है। हम इसकी बिल्कुल विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहें, सरकार आने के बाद में क्षत्रिय समाज सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इस तरीके के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमें। एक तरफ तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे हैं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, सब अच्छा होगा, सुरक्षा होगी, योगी जी भी सुरक्षा ही गारंटी दे रहे हैं, माहौल अच्छा होगा। कहाँ का माहौल अच्छा होगा जब बेटियों के अपने घर में, मतलब अपने शादी समारोह में नाचने पे पाबंदी लगाने को तैयार हैं लोग, और सरकार चुप बैठी हाथ पे हाथ धरे, एक शब्द नहीं आया अभी तक भी योगी जी का, और बल्कि उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, तो ये गलत है बिल्कुल। एक पर्टिकुलर समुदाय को इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे, क्या कह रहे, बिल्कुल सरकार से कहेंगे, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ जो बच्चियों को ऐसे बोल में बच्चियों को डरा धमका रहे हैं, तो ये गलत बात है बिल्कुल।